अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। और जनाब थक टूट गए हैं, इतना आज बिज़ी डे था ना मेरा कि यकीन माने कि मैं अब मुझे फ़ील हो रहा है कि मैंने काम किया है। जब आप लगे होते हैं ना तब आप बस कहते हैं कि कोई कोना जो है ना वो ना रह जाए हमारा। लेकिन जनाब जब काम ख़त्म हो जाते हैं ना, जब आप देखते हैं हर चीज़ अपनी तरतीब से अपनी जगह पे पड़ी है और बिल्कुल घर आपका नीट एंड क्लीन हो गया, तो यकीन माने जो आपको सुकून मिलता है ना, जो आपको बल्कि ज़हनी सुकून मिलता है ना, मैं कहती हूँ कि उस पर भी ना आपको शुक्र अदा करना चाहिए। वरना जब घर बिखरा होता है ना और आपके दिमाग पर सवार होता है कि आपने काम करना है, फिर बस अजीब सी खलबली मची होती है, काम करना है, काम करना है, काम करना है। लेकिन जब काम हो जाता है तो दिल को जो है ना सुकून मिल जाता है। तो मुझे भी बस यही था कि मतलब मैंने जो है सफाई करनी है, कपड़े वाश करने हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता ना अबूज़र की वजह से। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला आज, तो मैंने कहा नहीं, सबसे पहले मैं कपड़े वाश करूँगी, फिर कोई दूसरा काम करूँगी, क्योंकि फिर ऐसे जमा होते होते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हो तो वैसे अभी भी गए थे, हालांकि मैंने एक हफ़्ते से पहले ही मशीन लगा ली, अभी हफ़्ता नहीं हुआ मुझे मशीन लगाया हुआ, लेकिन क्योंकि गर्मी है डेली कपड़े चेंज होते हैं तो कपड़े तो हो ही जाते हैं। खैर कपड़े वॉश करने थे, कपड़े वॉश करने के बाद मैंने सोचा कि मुझ में हिम्मत है तो मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, वरना जो है ना कल कर लूँगी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि कल तो सैटरडे है, तो यकीन माने सैटरडे को मुझसे काम नहीं होता, क्योंकि काम करना भी चाहूँ ना तो मैं नहीं कर पाती। वही अब्दुल रहीम के नहीं, अबूज़र को पकड़ लो, अबूज़र को देख लो, बाद में कर लेना, तो फिर इस तरह जो है ना मैं सुकून से काम भी नहीं कर पाती। तो बस मैंने सोचा कि आज जो है ना हिम्मत करती हूँ, सारे काम ख़त्म करती हूँ। अबूज़र को थोड़ी देर पहले मैंने खिला पिला के ना टीवी लगा दिया था, फिर अब्बू आ गए थे तो अब्बू ने थोड़ी देर उसको पकड़ा, लेकिन फिर अब्बू से भी जब काबू नहीं आ रहा था, बार बार मेरे पीछे पानी में आ रहा था। लेकिन खैर फिर वो कुछ देर के लिए जब सोया ना, फिर मैंने जो है ना स्पीड पकड़ी बस काम की। यहाँ पर जो है ना कपड़े मैं ले आई थी वॉश करने वाले, इनके मैं बैच बना लेती हूँ कि अबूज़र के अलग कर लेती हूँ, अपने अलग, अब्बू के अलग और अब्दुल रहीम के अलग। सबसे पहले मैं अबूज़र के धोती हूँ, क्योंकि अबूज़र के इतने ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं होते, और बच्चों के वैसे भी मिक्स कपड़े आप सबके साथ नहीं वाश करते, ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा से सबसे पहले ना अबूज़र के धोती हूँ, उसके बाद अपने वॉश कर लेती हूँ, और लास्ट में जो है ना अब्दुल रहीम के जो पैंट होती है ना वो डालती हूँ। अब्दुल रहीम की शर्टें भी अक्सर अपने कपड़ों के साथ डाल लेती हूँ, लेकिन पैंटें जो होती हैं ना वो मैं एंड में डालती हूँ, और जब बेड शीट्स हों तो फिर उनको तो बिल्कुल ही लास्ट में डालती हूँ ना। तो बस यहाँ पर जो है ना कपड़े वॉश कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि आज जो है ना खाने में मैंने कुछ नहीं बनाना, क्योंकि हमारा सालन अभी भी पड़ा हुआ है और दो लोग कितना खा लेंगे, तो मैंने सोचा था कि शामी जो है ना वो फ्राई कर लेंगे निकाल के। ये भी मुझे ना थोड़ा सा सुकून था कि मैंने खाना नहीं बनाना। अगर मैंने सोचा होता ना कि मैंने कुछ खाना भी बनाना है, फिर वो मेरे दिमाग पे बात सवार हो जानी थी, नहीं नहीं जल्दी करती हूँ जल्दी करती हूँ, फिर मैंने खाना भी बनाना। इसलिए मैंने पहले ही सोचा था कि खाना मैं आज नहीं बनाऊँगी। और बस जनाब जैसे ही जो है ना काम शाम ख़त्म किए, मैं शावर लेके चेंज करके सोच रही थी कि थोड़ी देर सो जाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि सोने से पहले जो है ना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। अगर मैं थोड़ी सी लम लेट हो गई ना तो आज मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी, आज की जो है ना मेरी छुट्टी हो जाएगी। और छुट्टी का मेरा कोई मूड नहीं था, क्योंकि मैंने वीडियो तो बनाई हुई थी, मैं नहीं चाह रही थी कि वॉइस ओवर की वजह से ना वीडियो ना अपलोड हो सके। अबूज़र सोया हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करके फिर मैं खुद थोड़ी देर आराम कर लूँगी। बाकी जनाब आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियोस को आजकल पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं, तो इसके लिए आप सबकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ। इसी तरह बस मेरी वीडियोस को जो है ना वॉच किया करें और प्यारा सा एक कमेंट कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। यकीन माने सारी थकन खुद ब खुद उतर जाती है, जब मैं देखती हूँ ना कि मेरी वीडियो पर व्यूज़ इतने अच्छे आए हुए हैं, तो यकीन माने बड़ी खुशी होती है। तो बस कपड़े मेरे धुल गए थे, कपड़े धोने के बाद जो है ना कुछ बर्तन थे नाश्ते के, वो मैं वॉश करके तो आ गई थी रूम में कि रूम की सफाई कर लेते हैं। अबू वाला रूम मैंने साफ़ कर लिया था पहले ही, लेकिन उस वक्त मैंने जो है ना सोचा कि बस इसको जल्दी जल्दी करती हूँ, वीडियो नहीं बनाती, तो अपने रूम की जो है ना अब मैं क्लिनिंग करने लगी थी। अबूज़र जो है जनाब जो हैं वो पीछे पीछे थे इस वक्त, तो क्योंकि वो जाग रहे थे, अभी सोए नहीं हुए थे, तो बस जो है ना मेरा काम जो है ना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है बस।
रूम की और टीवी लाउंज की सफाई करके मुझे बाहर सेहन में भी पानी लगाना था। मैंने सोचा कि कपड़े धोए हैं तो सेहन भी जो है ना वो साथ ही साफ़ कर लेती हूँ, वरना जो है ना फिर वो बेचारा रह जाएगा, पूरा घर नीट हो तो सेहन रह जाए तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होता। इसलिए जो है ना मैंने सेहन में भी पानी लगा के वहाँ पर भी वाइपर लगा दिया था और पूरा घर जो है ना अब लश्कारे मार रहा था। और मुझे खुशी हो रही थी कि आज का जो मैंने काम सोचा हुआ था ना वो सारे का सारा हो गया। तो बस जनाब काम भी हो गए, वीडियो की वॉइस ओवर भी हो गई। अब मैं बिल्कुल जो है ना आराम से कौन से थोड़ी देर आराम करूँगी और फिर जब मेरा टाइम होगा ना वीडियो अपलोड करने का तो उस वक्त वीडियो अपलोड कर दूँगी। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। ओके टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।